अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल ने, उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, खुश होंगे। तो अज मेरे नाल नवीद भाई, जिन्हों का चौधरी नवीद के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, इनको सब्सक्राइब करें। और आप मुझे तो जानते हैं, मेरा नाम अव्यास है। और आज हम आ चुके हैं ब्राह्म की गांव में, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशगवार मौसम हुआ पड़ा है। और अभी हम इधर एक ऐसी हस्ती को मिलने के लिए आए हुए थे जिसे आप जानते होंगे, जिनका नाम चौधरी निशान भाई हैं, और जो के जुवेर डॉलर के बेटे हैं। आज उनको मिलने के लिए आए हैं, तो चलें हम उनके पास जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। हाँ जी, हम आपको स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। इधर लोग इंजॉय कर रहे हैं, और अगर हो सका तो हम भी जो के नहाएंगे उसके अंदर। तो हम चलते हैं अभी निशान भाई के पास, उधर जाके आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और अभी वो आ चुके हैं, तो आपको दिखाता हूँ, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, अभी उनके पास चलते हैं। A few moments later. तो अभी जी हम ब्राह्म की गांव में एंटर हो चुके हैं। ये ट्यूबवेल है, और ये जी उनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, और वो आप देख सकते हैं सामने, वो दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। मोहम्मद निशान भाई हैं हमारे, और जाके आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो जी आप मौसम चेक कर सकते हैं। तो अभी जी निशान भाई हैं जो कि दरख्त के नीचे ठंडी हवा में अपने दोस्तों से बातें चीत कर रहे हैं, तो अभी उनसे जाके मुलाकात करते हैं। तो पहले तो नवीद भाई मिलेंगे। तो और अभी जी हम निशान भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया सुनाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? तो ये आज का इधर मतलब मौसम वगैरह भी अच्छा है, और इसके अलावा ट्यूबल वगैरह चल रहे हैं, और भाई लोग हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करते हैं, और उसके अलावा आपको इधर का कल्चर वगैरह दिखाएँगे। और आज तो वैसे भी ठंडा मौसम है, तो हाँ हबस तो बहुत है, मगर जो कि थोड़ा सा नेचर में फर्क आ गया आगे से। और अभी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जी निशान भाई, असं अज पिंड आए हैं, तुम मिलन पे है। माशाल्लाह बड़ी सोहनी कच्ची दीवार में अज वेख के बड़ा खुश हो। पहले पुराने जमाने च होंगे सके, की बना रहे जी, कुछ थोड़ा जहा दसो सू। अज तो तकरीबन ना 15 साल पहले सेम इसे जगह से ना मेरे वालद ने तो उन्होंने भाइयों ने इतने एक हवेली बनाई थी कच्ची दीवार में। अच्छा। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं वो अज तो 20 साल बाद सारिया चीज़ा दोबारा बहाल करा। तुम देख रहे हो कि इधर साइड से ट्यूबवेल चल रहा है, इतने ट्यूबवेल अज तो 10 साल पहले बंद हो चुका है। मैं सेम उस जगह पर ट्यूबवेल दोबारा बहाल कर रहा, ठीक है, जिते आप खड़े हैं बाई की बैक साइड से। इतने अपना फिश फार्म होंगे, इतने 10 साल पहले इतने आप फिश फार्म बना रहे हैं। कच्ची दीवारा से इसलिए मैं इतने दोबारा कच्चिया दीवारा ही चारों पास कर रहा। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त है पिंड वाला माहौल है, कच्चिया दीवार। हाँ जी, बस लगाओ है हमेशा तो पिंड के उस चीज़ को इंजॉय करने के एंटरटेन होने के। अंगूर दी वल होगी सारी दीवार उत्ते, चार साइड से शतू जामुन, जामुन ते क्या पहले ही लगा है, ठीक है। इंज करके हर किस्म का मैंगो हर चीज़ इतने इंशाल्लाह ताला मिलेगा। जोई साहब, एक तुहाडा नाल गल करनी सी कि तुसीं माशाल्लाह इन्ने फलां दे पौधे ला रहे जे, तो कोई यहो जहा पौधा भी ला दो तुहाडा नाम डाल रहे, कितने डालर लगन लोग जाते हैं बाहर के नहीं, जरा डालर भेज साढ़े मोबाइल भेज कि हिसाब बेचारे मजदूरी कर जाते हैं, मेहनत कर जाते हैं। कई लोग समझने जो बाहर गए पता नहीं दरख्तों ना डालन तोड़ के यार मेरे लिए मैल भेजी यार मेरे लिए भेज। बस ये होंगे ना, बाहर जो आप चले जाने तो बाहर रिश्तेदार नहीं होंगे, तो आप हर वाला काम कर लें जिद झिझक होती है लोगों के सामने करो। तो जो अपने अपने घर होंगे तो घर का बंदा चौधरी होंगे, तो घर अपने रिश्तेदार सामने भाइयों के सामने काम करने लगे शेरम आँदी तो आप नहीं करते। जो साहब थोड़ा स्विमिंग पूल विखाओ जो अज बनाया उस जगह पर,
चलो दोस्तों तानवी हम इनके साथ जा रहे हैं, और जो इन्होंने दोबारा पूल स्विमिंग पूल है जो कि ट्यूबवेल भी गांव की जबान में कहते हैं वो स्टार्ट किया, वो आपके दिखाते हैं। और ये देखें हम इनके साथ ही ट्यूबवेल की तरफ रवाना हो रहे हैं और आपको उधर से जाके सारा व्यू दिखाते हैं। माहौल जो ट्यूबवैल वाला ही रखेंगे, स्विमिंग पूल वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि जो स्विमिंग पूल वाला आ जाएगा फिर उनकी मेंटेनेंस वास्ते इतना काफी कुछ करना पड़ेगा। जो पिंड के लोग आ रहे हैं उन्होंने वास्ते फ्री है या कोई एंट्री वगैरह? नहीं, सब फ्री है, किसी वास्ते कोई एंट्री नहीं है। इतने आप किसी कारोबार नहीं कर रहे, ये सब अपने भाइयों वास्ते, भरावों वास्ते, दोस्तों वास्ते, एंटरटेनमेंट वास्ते बनाया। लोग जैसे राशन ले रहे उसे टिकट रहा है सही भाई, तुम कैसा लगा? मैं तो आप नहा आया सी साफा वगैरह लैके, तो मैं कह के नहाने हूँ साडा भी लोग वेख लिया नहाने जान भाई ने भी कपड़े चेंज करने। तो जिशान भाई कपड़े चेंज करने लगे हैं, आप नहाते हैं तो आपको मतलब के माहौल दिखाते हैं। और जो के इनके साथ बहुत ज़्यादा बहारें आ जाती हैं जब कोई मतलब कि ऐसी शख्सियत हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, तो थोड़ा सा हमें प्रूव नज़र आ जाता है। तो अभी आपको दिखाते हैं। जैसे जी जो पानी निकलता है वो फसलों को लगता रहता है, और फसलें आप देख सकते हैं। तो अभी जी जिशान भाई रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं जो, और इनका भी देख सकते हैं। अभी हम जी नहाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हैं। स्विमिंग पूल क्या ट्यूबवेल वगैरह है जो कि मतलब क्या गाँव में ट्यूबवेल वगैरह कहते हैं, और मैं ज़्यादातर उर्दू ज़बान यूज़ करता हूँ, तो इस लिहाज से जो कि मेरी लैंग्वेज है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। मैं पंजाबी बोलते बोलते उर्दू बोलने लग पड़ता हूँ। और अभी जी देखें सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और अभी इन्होंने पाँव वॉश करने हैं और फिर स्विमिंग पूल के अंदर जाना है। और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कि गंदे पाँव हों तो मतलब कि वैसे ही छलांगे लगा देते हैं और पानी सारा गंदा कर देते हैं। तो माशाल्लाह आपको पहले भी बताया, अल्लाह ताला ने इन्हें दौलत से भी नवाजा, इज्जत से भी नवाजा। और ये देखें अभी मतलब के स्विमिंग के लिए ये छलांगे लगाने लगे हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं आप। और अपने दोस्तों वगैरह के साथ, अपने कज़न वगैरह के साथ ये इधर जी आए हुए हैं। वैसे तो ये लाहौर रहते हैं, अभी वीक में मतलब एक दिन के लिए इधर आते हैं और दोस्तों वगैरह के साथ इन्जॉय करते हैं। तो अभी जी निशान भाई की हमारे साथ शफकत है, इन्होंने हमारे लिए जी बोतल वगैरह मंगवाई है, और अभी बोतल का मज़ा लेते हैं। और अभी हमने नहा लिया और हम निशान भाई के साथ उनके डेरे पर जा रहे हैं, और उनके साथ जाके उनके साथ बातचीत करते हैं और अलविदा करते हैं। और ये देखें हम निशान भाई हैं और नवीद भाई हैं और वसीम भाई हैं हमारे साथ, जो कि अभी निशान भाई के जो डेरे पे जा रहे हैं, अभी उधर से जाके उनके साथ बातचीत करेंगे और जी फिर अलविदा करके घर की तरफ रवाना होंगे। तो देख सकते हैं अभी हम निशान भाई के साथ। माशाल्लाह देखें अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी ज़्यादा नवाजा हुआ है। और हाँ जी मैं नमीद बहन लगे ने, ते वसीम भाई ने, ते जी मैं अगों की व्यू दिखा दवा। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें काफ़ी इज्जत से नवाजा है, और
काफ़ी शोर से नवाजा। तो अभी जी हम बैठते हैं और इनके डेरे पे चलते हैं और आपको जैसे जहाँ व्यू वगैरह दिखाते हैं। ज्यादातर लोग ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਉਰਦੂ ਥੋੜੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੱਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਫਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਲਚਰ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। तो निशान भाई आप मतलब के हर इतवार के इतवार ही आते हैं फ्री होके लाहौर से इधर। मतलब जो मौका मिलता है मैं पिंड आ जाना चाहता हूं। एक मिनट रुक। तो अभी जी हम डेरे पे आ चुके हैं तो निशान भाई के साथ निशान भाई हैं जो कि गाड़ी पार्क करने लगे हैं और माशाल्लाह आपको पहले भी बताया अल्लाह ताला ने इन्हें काफ़ी इज्जत से भी नवाजा और इनके वाली साहब जो के जवेद डॉलर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो अभी जी हम जिशान भाई के साथ अंदर की तरफ जा रहे हैं और जिशान भाई मतलब के लाइट वगैरह चली गई है और ये निशान भाई के वालिद साहिब हैं जो कि मतलब के गांव में छुट्टी के वक्त आते रहते हैं और जो के इनके दोस्त वगैरह हैं उनसे सलाम दुआ करते हैं, उनकी बातें वगैरह सुनते हैं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये जवेद डालर साहब हैं। तो अभी जी हम भी जाके जवेद डालर साहब को मिलते हैं तो मुलाकात करवाते हैं। सभी कैसे हैं? ये सब ठीक है। तो अभी हमने जवेद भाई से मुलाकात कर ली है तो अभी इनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल है। और ये सुनाएं कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। तो आप मतलब कि गांव में आए हैं, आप आते ही रहते हैं, तो आपको गांव में आकर कैसा लगता है? जी बिल्कुल अच्छा लगता है। ये हमारा भाई गाँव है, यहाँ का माहौल और शहर के माहौल में बड़ा फ़र्क है। यहाँ के देखे ना लोगों का रहन सहन, यहाँ आए हैं गाँव में तो कोई बंदा भी जो है वो हर एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं। शहर में तो एक मसला दूसरे को नहीं पूछता कि कौन है। मैं जहाँ पे शहर में रहता हूँ मुझे साथ वाले का नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये कि देखे यहाँ पे कितने लोग हैं मुझे पूछने के लिए, भाई कैसे हैं, मिल जेल के बैठे हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं वो खत्म हो जाए। तो आप मतलब के वीक वाइज आते हैं कि मतलब कि मंथ के बाद आते हैं? जी हम हर हफ्ते आते हैं, हफ्ता इतवार हम इसको लोग इधर ही होते हैं। सही है। मतलब कि आप को इधर देखा है तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है हमें भी। तो हम मैं तो पहली दफ़ा आप ले रहा हूँ नीत भाई, तो आप उनको जानते होंगे? जी जी आते रहते हैं। तो आपसे पहली मुलाकात माशाल्लाह अच्छी है और आप इतने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसे भी लोग हैं जो हजूम में बैठते हैं और इनकी बातें सुनते हैं, इनके साथ मतलब कि अपनी खुशी गमी जो कि शेयर वगैरह करते हैं। तो ये हमारे जी जुवेद भाई जिनका चौधरी जुवेद साहब डॉलर के नाम से मशहूर हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। तो भाई जान अभी वेले हो चुके ना के अभी चले हैं तरह ना
बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी अच्छे अखलाक के मालिक ने, अल्लाह ताला ने तुहानू पहले भी दस्या, अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा इज्जत तो भी नवाजिया। क्या बोला तूने? कैसा लगा मेरा मजाक? जी असी हम वापसी जा रहे घर, इन्हों का काफ़ी ज़्यादा शुक्र गुजार असी कि इन्होंने सानू थोड़ा जहा अपने कीमती वक्त के टाइम दिता, तो हम भी वापसी असं जा रहे घर। तो वसीम भाई तुम सू दसो कि अज के तुम मतलब कि सारे दिन के कैसा फील होया, आके तो कैसा फील कर रहे हो? सर असी तो इतने आते जाते रही, तो इतने कितों भी आई तो इंजॉय करके जाइए, तो अब तुम भी आई है तो साढ़े ना होर भी रौनक लग गई, तो होर भी इंजॉय ज्यादा होया। माशाल्लाह देखें हमारे दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट होती रहती है, तो हमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे सपोर्ट करें, और आपकी दुआओं का और आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये नमीद भाई हैं, तो अभी व्लॉग का करेंगे एंड घर जाकर, और थोड़ा सा आपको गाँव का रौनक मेला दिखाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तो जी हम रास्ते से गुजर रहे थे, तो नवीद भाई ने देखा इधर अम्मा जो कि बूढ़ी सी अमरूद वगैरह का स्टॉल लगाया, तो इधर से अमरूद वगैरह लेते हैं, और ये बाईपास रोड है इधर को निकलता है। और जी अभी गांव से वापसी पे हम मतलब के इधर रुके हैं, और इधर से अमरूद वगैरह लेते हैं, और जी इधर से खाते हुए घर की तरफ रवाना थे। बाईपास से गुजरते हुए हमने इधर देखा, तो इधर जी कबड्डी की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, देखें बच्चे कैसे खुश हो क्रोध से कबड्डी का मतलब के तैयारी वगैरह कर रहे हैं, ये उस्ताद है मेरे ख्याल में, और ये इधर जी कबड्डी वगैरह हो रही है। तो ये सामने मेन बाईपास है, और बाईपास के साथ ही एक खेत के अंदर जो कबड्डी का मैदान लगाया हुआ है। 6.5 hours late. तो फाइनली जी हम वापस आ चुके हैं, मेरे साथ है मैं नवीद भाई, और बहुत ही आज हमने इंजॉय किया, आज के ब्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो ऐसे ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ब्लॉग आप तक पहुँचते रहें। तो हमें इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।